Okay, see, we need to start with insurance at 1938. I hope you must be knowing, like, banking sector has an act. Which act banking sector has? Can you tell me? Why the act is made and which act is made for banking sector? See, I'll tell you. Banking sector के लिए जो एक्ट बनाया गया है दैट इज 1949, बैंकिंग एक्ट फॉर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. किस लिए बनाए जाते हैं ये एक्ट? क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बता सकें हम, मतलब किसी भी बैंक से रिलेटेड अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करनी हो तो आप उनकी पॉलिसीज चेक करनी हो, सिस्टम चेक करना हो किसी बैंक का, तो किसी भी बैंक को स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं ना. देखो, अब हमारे लिए भी स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे बाहर जाने के लिए पासपोर्ट कंपलसरी है, वीज़ा कंपलसरी है. सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड रूल फॉर एवरीबडी. नॉन पार्किंग में गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, इट इज़ स्टैंडर्ड रूल फॉर एवरीबडी. इट इज़ नॉट दैट one person has to follow and for another person there is a different rule. No. So banking regulation, similarly there is a insurance regulation act 1938. As they have a banking regulation act 1949, it was invented in 1949, therefore the year is written after the act is 1949. So same way, who is looking after to who are I mean, which act is making rules and regulations to keep a well-balanced activities in the insurance sector? Insurance Act 1938. It was brought into force from 1st July 1939. That is why. See, Act banaya gaya tha 1938. See, Insurance Act was passed in 1938, but it was brought into force from 1st July 1939. मतलब कुछ मंथ्स के बाद इसको फोर्स में लाया गया, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल किया गया. इट वाज वेल बैलेंस्ड एंड वाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ इंश्योरेंस लेजिस्लेशन. कॉम्प्रिहेंसिव मींस कवर्ड विथ एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर. आप इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो एस्पेक्ट पूछना चाहते हैं या जो कुछ भी इंश्योरेंस रिलेटेड से आपके डाउट्स हैं वो यहाँ एक्ट में क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन कवरेज ऑफ ऑल द थिंग्स टुगेदर. ठीक है, वैरायटी ऑफ थिंग्स यहाँ पे कवर थी इंश्योरेंस एक्ट में. किससे रिलेटेड? इंश्योरेंस लेजिस्लेशन से रिलेटेड. लेजिस्लेशन में क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ही तो होते हैं जो बताते हैं कि आपको गवर्न कैसे करना चाहिए, आपको कंपनी को काम कैसे करना चाहिए, आपकी वर्किंग कैसे होनी चाहिए, किसके लिए, सब पूरे इंश्योरेंस सेक्टर. आप पूरे इंश्योरेंस सेक्टर मतलब इंश्योरेंस तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लाइफ एक जनरल, एक लाइफ इंश्योरेंस एक जनरल इंश्योरेंस. और जनरल को इन्होंने यहाँ पर नॉन लाइफ कहा है. सो देयर आर टू थिंग्स, लाइफ एंड नॉन लाइफ ब्रांचेस ऑफ इंश्योरेंस. दैट मीन ब्रांचेस मीन्स टाइप्स. ओके, सो फॉर बोथ ऑफ देम द रूल्स आर स्टेटेड इन इंश्योरेंस एक्ट 1938. ओके, ये इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट एवरी कंपनी वर्क, आई मीन दे आर वर्किंग इज ऑन साउंड प्रिंसिपल्स टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशंस ऑफ फंड्स एंड टू प्रोटेक्ट द एसेट्स. दैट मीन्स ना कोई चीटिंग हो ना फ्रॉड हो इंश्योरेंस कंपनीज में, इंश्योरेंस सेक्टर में रादर. कंपनी नहीं, सेक्टर बोल दिया तो उसमें सब आ गए, सारी कंपनीज आ गई. ठीक है, तो ये एक्ट बड़ा वाइड था, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, कॉम्प्रिहेंसिव था, हर एस्पेक्ट इसमें रिलेटेड था. ओके, आई मीन है, सो देयर वाज अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द इंश्योरेंस बिजनेस. ये क्यों बनाया गया एक्ट? ये क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर नज़र रखी जाए सो दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज थ्रू देयर बिजनेस. मतलब वो कस्टमर्स को चीट ना करें, इलीगल एक्टिविटीज ना करें, ये देखने के लिए ये एक्ट बनाया गया. ठीक है, बाकी तो आप अगर देखें तो इसका वो हिस्ट्री दिया हुआ है थोड़ा, वो देखो याद पड़ता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो रॉन्ग मत लिख जाना क्योंकि इसमें ईयर्स हैं.
ठीक है, क्या बोलता है वो, यहाँ तक भी लिखा ना आपने तो भी ठीक है ये पार्ट 1938 तक, फिर सीधा नीचे मैं ना सीधा ये वाला पार्ट बताती हूँ. दिस एक्ट अप्लाइज टू ऑल द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में और एल्सवेयर, मतलब वो इंडिया की कंपनी होनी चाहिए. This act prohibits person to carry business until he is. That means if you are a public limited company, only then you can pursue to open insurance business. If you are not, समझ में आ रहा है, until he is मतलब जब तक वो public company नहीं है तब तक उसको prohibit किया गया. Until he is a public company मतलब अगर जब तक वो पब्लिक कंपनी नहीं बनती है तब तक उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर सकते. ओके, दिस एक्ट प्रोहिबिट्स पर्संस टू कैरी इंश्योरेंस बिजनेस अंटिल ही इज अ पब्लिक कंपनी. दैट मींस पर्सन, यानी पे यहाँ पे जो पर्सन बोला गया सिर्फ इंडिविजुअल एज अ पर्सन नहीं, हम कंपनी को भी आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे पर्सन मतलब सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनीज, फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, यहाँ पे वो आर्टिफिशियल पर्सन की भी बात चल रही है, ठीक है. तो यहाँ पे जब तक एक कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं बनेगी तब तक इंश्योरेंस बिजनेस नहीं कर सकते. अभी जैसे एग्जांपल ले लो, इंश्योरेंस में पब्लिक कंपनी कौन सी है, LIC सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. पब्लिक लिमिटेड मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, जैसे प्राइवेट नहीं है मतलब. तो वो कौन सी है, इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ओके, अच्छा, उन्होंने सेकेंड ऑप्शन भी दिया, अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव्स एक्ट 1912 और अंडर एनी अदर लॉ. कोई और भी ऐसा कोई लॉ बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उसके अंडर भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं आप, ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लॉ में आप रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट. ओके, तो मतलब एक अगर आपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप रजिस्टर्ड सोसाइटी बन जाते हैं ना, और कॉर्पोरेटिव के नाम पे आप बिजनेस कर सकते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के नाम पे, ठीक है. तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कर सकते हैं आप बिजनेस, ठीक है. तो या तो सेकेंड ऑप्शन दिया है उन्होंने, या तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए, या फिर थर्ड ऑप्शन अ बॉडी कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज, जैसे कंपनीज नहीं होती हैं, जैसे अब जैसे बिरला सनलाइफ ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है. अब ये जैसे बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो वो क्या है, कॉर्पोरेट कंपनी है, पर कौन से सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर. ओके, अ बॉडी कॉर्पोरेट incorporated under the law of any country outside India, not being the nature of private company. मतलब आप किसी ना किसी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए. अब देखो यहाँ पे भी वो पब्लिक कंपनी बोलता है, पब्लिक कंपनी में रजिस्टर्ड रहने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना, ठीक है. मतलब गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है. तो गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है, इसका मतलब ये है. अब सेकंड बोला है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो जाना पड़ेगा, या फिर किसी कॉर्पोरेट बॉडी के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है. चलो अभी आके देखते हैं हम लोग. ये देखो अब है ना, ये जो लॉ है वो कौन से इश्यूज को ट्रीट करता है. ये जो लॉ बनाया गया ना इंश्योरेंस एक्ट 1938, अब ये तो सारे इंश्योरेंस कंपनी के वर्किंग्स पे नजर रखता है, ठीक है. इट लुक्स आफ्टर टू एवरी इंश्योरेंस कंपनी इन इंश्योरेंस सेक्टर. सो व्हाट ऑल द इश्यूज हैव टू बी ट्रीटेड बाय दिस लॉ, मतलब कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनके सॉल्यूशंस इस लॉ में दिए हुए हैं, ठीक है. फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कमीशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिबेटिंग, यानी कि अगर आप रिबेट कर रहे हैं, अगर आप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो कितना कितना किसी को डिस्काउंट दे सकते हो, कितना पॉलिसी के अंडर में प्रोहिबिशन बताया है उसका, मतलब लिमिटेशन बताया है. एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ कमीशन,
अब आप कमीशन मतलब इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप देखोगे ना तो पूरा बिजनेस कमीशन पे चलता है. कैसे? इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने के लिए सेलिंग एजेंट्स बनाए जाते हैं, सेलिंग एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं रैदर. ठीक है, सेलिंग एजेंट्स जो मैंने अपॉइंट किए उनको मुझे जितना वो पॉलिसी बेच कर आएंगे उन बेसिस पे मुझे उनको कमीशन देनी पड़ेगी. तो कितनी ओवरऑल कितनी कमीशन एक कंपनी सेल्समैन एजेंट को दे सकती है उसकी रेस्ट्रिक्शन बताई हुई है इस लॉ में. अच्छा, लिमिटेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन, मतलब आप कमीशन के ऊपर कितना खर्चा कर सकते हैं उसकी लिमिटेशन बताई है. लाइसेंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स, आप ना देखो जब भी हम इंश्योरेंस के एजेंट्स बनाते हैं ना, सेलिंग एजेंट्स जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, उन्हें ना लाइसेंस मिलता है, एक वो एग्जाम पास करना पड़ता है उन्हें एंड दे आर गिवन द लाइसेंस. ओके, आप जब भी लाइसेंस मिलेगा ना तो ही वो पॉलिसीज बेच सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी की, किसी कंपनी में जॉब करके. समझ में आ रहा है आपको? तो इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना पड़ता है और वो एग्जाम से लाइसेंस मिलता है, क्लियर हो गया तो. ठीक है, अब उस लाइसेंस के बेसिस पे आप अपना ही इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में. ठीक है, तो ये जो लाइसेंस है ना उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितने टर्म पीरियड के लिए लाइसेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या फिर लाइसेंस फीस क्या है, वॉट एवर इज रिलेटेड टू लाइसेंस विल बी डिस्क्लोज्ड इन दिस लॉ. ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट. एक इंश्योरेंस कंपनी कितना बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकती है और कितना अमाउंट उसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के नाम पे. अच्छा, कितना अमाउंट है जो गवर्नमेंट के सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर की. ठीक है, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट. ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इन्वेस्टमेंट के वो इस एक्ट में लिखे हुए हैं एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यू हैव टू फॉलो. ओके, वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर स्टेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस लॉ. राइट टू इन्वेस्टिगेट, अब आपके ऊपर लॉ ने ये नजर रखी हुई है ना, तो लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिटर टाइम टू टाइम, ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा सो दैट कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलती रहे कि कंपनी को इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है. ठीक है, कस्टमर्स को चीट तो नहीं कर रहे, गलत पॉलिसीज तो नहीं बेच रहे, या टाइम पे सेटलमेंट क्लेम सेटलमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं. तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन राइट टाइम पे राइट पर्सन को अपॉइंट करके करवाना है हर कंपनी को. इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं इस लॉ में. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ लोन. प्रोहिबिशन जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, मतलब लिमिटेशन, मतलब रोका गया है, इस चीज के ऊपर लिमिटेशंस डाली गई है. अब प्रोहिबिशन ऑफ लोन मतलब आप कितना लोन दे सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट एक वन ईयर में एक पर्सन को, या फिर ओवरऑल भी देखा जाए जनरली भी, तो आप कितना एज ए इंश्योरेंस कंपनी आप कितना बाहर लोन दे सकते हैं और कितना लोन ले सकते हैं. ठीक है, तो मतलब ये इन्होंने सिर्फ पॉइंट्स बताई हैं कि इस ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर एम्फोसिस डाला गया इस लॉ के जरिए. ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंश्योरेंस. अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आप सबके लिए होमवर्क है क्या, जैसे हमने उस दिन किया था बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर की. ठीक है, और जैसे हमने किया था पब्लिक सेक्टर इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया एंड देन वी हैव डन फॉरेन बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया, राइट. तो वैसे ही आपको अभी सेम होमवर्क करना है इंश्योरेंस के लिए. तो क्या क्या ढूंढेंगे आप? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया एंड फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया. ठीक है, तो आपने ये काम करना है. ओके, ओके, ठीक है. फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो पब्लिक कंपनी, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, जिनका जिनका पूरा कंट्रोल पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट. और प्राइवेट मतलब जिसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता है, वो प्राइवेट ओनर्स होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं. ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंश्योरेंस पे आ जाइए.
अब आपको पता है इंश्योरेंस एक वो टूल है जिससे हम रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं उन्हें कहते हैं इंश्योर्ड पार्टीज, क्यों? क्योंकि उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, कॉम्पेंसेट किया जाएगा इनका रिस्क फ्यूचर में, ठीक है। इसीलिए ये इंश्योरेंस एक टूल है टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, ठीक है, टू कॉम्पेंसेट द रिस्क। कुछ भी रिस्क तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट, फायर, रायॉट्स। रायॉट्स मतलब क्या होता है पता है? रायॉट का मतलब क्या होता है? रायॉट मीन्स जैसे हमने वो मोर्चे निकालते ना, हिंदी में कहते हैं मोर्चा निकालना, तो दंगे, हाँ दंगे फसाद, रेल रैली में, निकालना, हाँ रैली निकालना, तो उसमें ना यस देखो बहुत जनों का नुकसान भी हो जाता है क्योंकि उसमें झगड़े फसाद हो जाते हैं एंड देन फाइट्स हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे आपको याद होगा महाराष्ट्र में अभी बीच में कुछ तो इशू था जिसमें इन्होंने रैली निकाली एंड देन जो गवर्नमेंट के बसेस थे और गवर्नमेंट की व्हीकल्स थी उन्हें तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो रायट्स मतलब ये होता है जैसे दंगे फसाद एंड ऑल, जो हिंदी में जैसे हम कहते हैं। सो इट इज़ लाइक एक्सीडेंट, फायर, रायट, अर्थक्वेक, फ्लड्स, ठीक है, या फिर कोई भी आपका रिस्क हो गया, मतलब जैसे फायर लग गई, ठीक है। तो कोई भी अगर ऐसा कुछ नुकसान हो गया जिसकी वजह से कुछ आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया या आपकी लाइफ को डैमेज हुआ, ठीक है, तो उस वजह से हमको इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेट करके देती है वो रिस्क का, ओनली इफ यू हैव टेकन द पॉलिसी, अदरवाइज नॉट, ओके। तो फिनेंशियल लॉसेस का प्रोटेक्शन देती है इंश्योरेंस कंपनी। सी, इंश्योरेंस कंपनी इज अ इंश्योरेंस इज अ प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज अ प्रोटेक्शन गिवन अगेंस्ट फिनेंशियल लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ हैपनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक्सपेक्ट नहीं करते हम कि इसको मेरी कार चोरी हो जाएगी, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड हो जाते, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट होते हैं वो आने की वजह से जो मुझे नुकसान हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, उसका कॉम्पेंसेशन जब आपको इंश्योरेंस कंपनी देती है उसे कहते हैं इंश्योरेंस। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चलो देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है इंश्योरेंस लेने का? क्यों मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीदी है? क्योंकि मेरा जो फ्यूचर में नुकसान होने वाला है उस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हैं वो अगर हो जाते हैं, उस अगर वो हो गए तो उसका भरपाई करने के लिए कहते हैं कॉम्पेंसेट करना, रीइंबर्स करना, मेरे नुकसान को शेयर करना। बिकॉज 30 लाख का नुकसान तो मैं अकेले नहीं भरपाई कर पाऊंगी, तो इंश्योरेंस कंपनी आगे आती है एंड हमारे साथ वो रिस्क शेयर करती है। दैट मीन्स वो कहते हैं 30 लाख का नुकसान हुआ ना, 80% हम आपको भर के देंगे, 20% आप देख लीजिए। तो शेयर हो गया ना, रिस्क शेयरिंग हो गई ना, 80% तो मेरे पास वापस आ गया, मेरा कैश, मेरा लॉस जो हुआ था वो मुझे भरपाई करके मिल गया, कॉम्पेंसेट हो गया। अच्छा, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है एंड ही इज द ओनली अर्नर ऑफ द फैमिली, तो अब फैमिली चलेगी कैसे? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली प्रोटेक्ट होती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए। आया समझ में रिस्क शेयरिंग का मतलब? यस मैम। अब मैंने आपको याद है कल वाले लेक्चर में या लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कॉर्पोरेट डिवाइस, याद है किसी को ये क्या होता है? कॉर्पोरेट डिवाइस मतलब कोई एक पर्सन इसे नहीं उठा सकता पूरे के पूरे लॉस को, इट इज डिवाइडेड, इट इज डिवाइडेड बिटवीन मैनी मैनी पर्सन्स टुगेदर। मतलब देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर who take a help of a single company, they invest in that company through taking the policies, different policies, life insurance, general insurance, different different types of policies under different schemes. While they buy these schemes, these policies, they will have to pay premiums. So there is a large amount of premiums which is deposited to a single company by
different number of peoples. I mean, different number of persons, right? And when they come together, okay, there is a large corporate, there is a large, huge corporate firm who is managing all these firms. I mean, all these amounts which are deposited by group of persons. There is not a single person, let me tell you. ठीक है, एक कोई भी नहीं है जो आकर ये पूरा का पूरा नुकसान बियर कर सकता है, नहीं. ठीक है, अब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन कमिंग टुगेदर. अब वो जब अपना शेयर देते हैं, हु आर एग्री टू शेयर द फाइनेंशियल लॉसेस में बी ब्रॉट टुगेदर वॉलेंटरीली और थ्रू पब्लिकली और थ्रू सॉलिसिटेशन ऑफ द एजेंट्स. या तो वो खुद से अपनी मर्जी से आते हैं वॉलेंटरीली, या तो पब्लिसिटी की जाती है, एडवर्टाइजमेंट्स की जाती हैं कि आपने, मैंने ये नई स्कीम निकाली. देखो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं टीवी पे कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली की फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप ये पॉलिसी खरीदें, है ना. अब जैसे ये पेंडेमिक के टाइम पे आपने देखा होगा वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं, आपने देखा होगा. ठीक है, तो वो बोलता भी है देखो इतना महंगा नहीं है पॉलिसी, मेडिक्लेम खरीद लो और फैमिली को सिक्योर कर लो, ऐसा बोलता है वो. देखो कैसे एडवर्टाइज करते हैं, तो या तो पब्लिसिटी के जरिए या तो सॉलिसिटेशन ऑफ द एजेंट्स. मतलब आपने देखा होगा एजेंट्स आकर आपको एडवर्टाइज करते हैं, घर घर जाकर वो एडवर्टाइज करते हैं कि आप मुझसे ही पॉलिसी खरीदो आपकी बेनिफिशियल के लिए, आपका फिनेंशियल लॉस सिक्योर हो जाएगा. ठीक है, तो ये कॉरपोरेट डिवाइस होते हैं. कॉरपोरेट डिवाइस का मतलब ये होता है in which group of persons agreed to share the financial losses through a corporate firm, a company. ये सारे group of persons किसके पास जाते हैं, ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन ये कंपनी को तो जानते हैं. तो कंपनी देखती है ये प्रीमियम्स को मुझे कैसे मैनेज करना है. इतना बड़ा अमाउंट जो कंपनी के पास प्रीमियम के नाम पे जमा होता है ना, कंपनी लुक आफ्टर टू द अमाउंट दैट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल. And they will decide how much to invest and where to invest, how much to earn from this amount, है ना. तो कंपनी डिसाइड करती है उस अमाउंट को कैसे मुझे एलोकेट करना है. ठीक है, और फ्यूचर में अगर किसी मेरे कस्टमर का नुकसान हुआ तो मुझे कैसे कॉम्पेंसेट करके देना है. ठीक है, वो कभी अपने खुद के कैपिटल में से कॉम्पेंसेट नहीं करते, ये लोगों का ही पैसा है जो लोगों को कॉम्पेंसेशन में वापस दिया जाता है. देखो लिखा भी हुआ है एन इंश्योरर, इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी. एन इंश्योरर वुड नॉट, आई मीन वुड बी अनेबल टू कॉम्पेंसेट ऑफ ऑल द लॉसेस, अनेबल टू कॉम्पेंसेट ऑल द लॉसेस फ्रॉम हिज ओन कैपिटल. मतलब खुद की कैपिटल में से, खुद के जेब में से नहीं निकाल कर आपको लॉसेस को कॉम्पेंसेट किया जाता है. देयरफॉर बाय इंश्योरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस ही इज एबल टू पे द अमाउंट ऑफ लॉस. अगर ग्रुप ऑफ पर्संस, लार्ज नंबर ऑफ पर्संस का इंश्योरेंस किया हुआ है एक कंपनी के पास, तो जाकर कुछ लोगों का इंश्योरेंस कंपनी का, सॉरी कुछ लोगों का इंश्योरेंस का लॉस वो पे कर सकते हैं. अगर बहुत सारे लोग आकर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जाकर उनके पास इतने अमाउंट्स, इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट क्रिएट हो सकता है. और वो फ्यूचर में किसी का अगर लॉस हो गया, फ्यू पर्संस का लॉस हो गया, तो वो कॉम्पेंसेट करने के लायबल हो सकते हैं. आई बात समझ में? ठीक है, लाइक ऑल अदर कॉर्पोरेट डिवाइस देयर इज नो कंपल्शन ऑन एनीबॉडी टू परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी. अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने ये पॉलिसी खरीदनी है, ये तो मेरी मर्जी है ये मैंने पॉलिसी खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है. ठीक है, मतलब आपके ऊपर कोई कॉर्पोरेट डिवाइस, मतलब कोई कॉर्पोरेट जो कंपनी है वो आपके ऊपर कंपल्शन नहीं डालती है कि आपने मुझसे ही पॉलिसी खरीदनी है. ये आपकी मर्जी है कि आप मुझसे पॉलिसी खरीदो. ठीक है, खरीदोगे तो आपको बेनिफिट्स होंगे, कंपनी आपको बेनिफिट्स देती है. आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी हेडिंग है हमारी, इंश्योरेंस. नहीं नहीं, इंश्योरेंस पे क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स. वेरी गुड, हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंश्योरेंस. तो पहले क्या पढ़ा है, रिस्क शेयरिंग.
है ना कि रिस्क शेयर करता है. नेक्स्ट अब हमारा कॉर्पोरेट डिवाइस. कॉर्पोरेट डिवाइस अब नेक्स्ट है हमारा सेविंग. म्यूट कर दो सारे बोल के फिर म्यूट कर लीजिए. अच्छा नेक्स्ट क्या है आपका सेविंग. अच्छा देखो अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, चलो एग्जांपल ले लो आप है ना 18 इयर्स के हो. अब आपके मॉम डैड ने अगर आपके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, कितने इयर्स की खरीदी, 20 इयर्स. अब 18 इयर्स से आप 20 इयर्स ऐड ऑन कर लो, कितना हो जाएगा. 18 में 20 इयर्स ऐड ऑन कर लीजिए, कितना हो जाएगा. 38. वेरी गुड. अब आप 38 इयर्स के हो गए, ठीक है. पॉलिसी खरीदी कितने इयर्स की, 20. अब आप 20 इयर्स तक आपके पेरेंट्स को प्रीमियम भरना पड़ेगा, हाँ या नहीं. या जब आप अर्न करना शुरू करेंगे तो आप अपने मॉम डैड को कहेंगे कि अब मैंने प्रीमियम भरना है खुद का, ठीक है. तो अब आप पेरेंट्स पे बर्डन नहीं डालना चाहते तो प्रीमियम, इन शॉर्ट प्रीमियम तो भर रहे हैं ना, ये पॉलिसी तो चालू है. मेरे बोलने का मतलब या तो आपके पेरेंट्स या तो आप पॉलिसी का प्रीमियम भरते रहेंगे कितने साल तक, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है. समझो 16 इयर्स तक आपको पॉलिसी का प्रीमियम भरना है तो 16 इयर्स तक भरेंगे, 20 इयर्स तक भरना है तो 20 इयर्स तक भरेंगे. जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, हर एक की स्कीम होती है. जैसे मोबाइल में रिचार्ज करने की अलग अलग स्कीम्स होती है ना, इंटरनेट का रिचार्ज करने के लिए 6 मंथ्स की भी स्कीम होती है, 3 GB की भी स्कीम होती है, 4 GB की स्कीम होती है, 1 GB की स्कीम होती है. तो ये अलग अलग स्कीम्स होती है ना. तो वैसे ही हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसीज खरीदने के लिए अलग अलग स्कीम्स होती है. अब ये स्कीम खरीदा हूँ और 20 इयर्स के लिए खरीदा, मतलब 38 इयर्स तक आपको प्रीमियम भरना, ठीक है. तो 38 इयर्स तक आप जब आप ये प्रीमियम भरते हैं, ठीक है. अब आप 38 इयर्स के हो गए, 38 इयर्स के बाद आपको कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, पूरा का पूरा अमाउंट, जितना आपका अमाउंट था टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ बोनस, आपको इंश्योरेंस कंपनी पे बैक करती है, ठीक है. तो ये इसका मतलब ये क्या है आपके लिए सेविंग, ठीक है. यानी कि आप इतने साल तक कंपनी को प्रीमियम देते रहे तो ये कंपनी को जो आप प्रीमियम देते रहे इट इज एज गुड एज सेविंग्स. यानी कि अगर आपने ये प्रीमियम नहीं भरा होता, पॉलिसी नहीं खरीदी होती तो प्रीमियम नहीं भरा होता, प्रीमियम नहीं भरा होता तो ह्यूज अमाउंट आपको 38 इयर्स पे नहीं मिलता. आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ. 5-6 लाख 10 लाख जो भी आपको कंपनी पे करेगी 38th ईयर पे वो आपको नहीं मिलता. तो आपका जो ये प्रीमियम का अमाउंट है अगर आप यहाँ पे ना डालकर घर पे रखते तो खर्च हो जाते. यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ सेविंग ना. आप इंश्योरेंस को एक सेविंग डिवाइस पकड़ लो कि ये मेरे लिए क्या है, सेविंग्स है, ठीक है. हाँ लेकिन आप जनरल इंश्योरेंस में इतना सर्टन नहीं बोल सकते हो कि ये मेरी सेविंग्स है. क्यों? क्योंकि क्लेम, जनरल इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है, क्लेम मतलब जो नुकसान की भरपाई होती है, कॉम्पेंसेशन ऑफ द लॉसेस दैट इज पेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ द डैमेज, एट द टाइम ऑफ द रिस्क, एट द टाइम ऑफ द लॉस अराइजिंग. जब ये लॉस अराइज होता है तब कॉम्पेंसेट करके जब आपको कंपनी पे करती है ना उसे कहते हैं क्लेम. तो हाँ लाइफ इंश्योरेंस में तो कह सकते हैं 38th ईयर पे मुझे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जरूर पैसा वापस करेगी, इनफैक्ट बोनस के साथ, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम कह सकते हैं हाँ सेविंग है. लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में हम इतना सर्टनिटी नहीं बोल सकते इसकी, इतना सर्टन नहीं है वो. क्यों? क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में जब तक नुकसान नहीं होता है तब तक अमाउंट पे नहीं होता. समझो आपने कार का इंश्योरेंस लिया, अब कार का फायर इंश्योरेंस लिया, कार का एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया, तो एक्सीडेंट होगा, कार को डैमेज होगा तब जाके पेमेंट मिलेगी आपको. आपका साल भर का इंश्योरेंस था, चलो साल भर में 2 साल का इंश्योरेंस था, 2 साल में आपकी कार को कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा भर के देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं ना. तो हम नहीं कह सकते ये सर्टन है, इट इज नॉट सर्टन. तब आप बोल सकते हो कि आपका प्रीमियम का पैसा गया, ठीक है. ऐसे ही होता है, फिर भी लोग करवाते. क्यों करवाते?
क्योंकि क्योंकि कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाता है, ठीक है। तो वो उनको ऐसे लगता है कि अब मेडिकल मेडिक्लेम हम क्यों लेते हैं, मेडिकल मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों लेते हैं। अब देखो बीमार तो घर में कोई ना कोई पड़ता ही है, फैमिली मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, तो कभी भी कुछ भी हो जाए तो कंपनी पैसा भर के देती है ना। समझ आ रहे मैं क्या बोल रही हूँ आपको। तो क्लेम इन इज सर्टन इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, वाइल इट इज नॉट सर्टन इन द केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। देयरफॉर आप बोल सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस में इट इज काउंटेड एज अ सेविंग डिवाइस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको देखो इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड मतलब कस्टमर पार्टी, जो कस्टमर पार्टी होती है जो पॉलिसी खरीदते हैं, ठीक है, इंश्योर्ड पार्टी गेट्स द सम अश्योर्ड, मतलब जितना सम अश्योर्ड था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ डेथ, विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से कोई एक दिन तो आना ही है ना, या तो मेरी डेथ आनी है या तो मैच्योरिटी डेट आनी है, 38th ईयर, या तो उस दिन पे मैं अलाइव होंगी तो मुझे उस दिन पे पैसा मिलेगा मैच्योरिटी डेट पे, या तो उसके पहले अगर मैं मेरी डेथ हो जाती है तो उस दिन पे पैसा मिलेगा, मतलब पैसा नक्कीच मिलेगा, ठीक है, पक्का मिलेगा। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको इतना पता है ना कि जरूर मिलेगा, सो इट इज काउंटेड एज अ सेविंग डिवाइस, ठीक है। पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड एज सेविंग डिवाइस, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब अब देखो हमारी पूरी इकोनॉमी भी तो लॉस से बच रही है, पूरी फैमिली का आपने लॉस इंश्योरेंस कर दिया, अब ऐसे कितनी फैमिलीज का इंश्योरेंस हो जाता है, तो कितनी सारी फैमिलीज हैं जिनका जिनको अनसर्टेनिटीज से प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है लॉसेस का, ठीक है, जो किसकी वजह से होता है, अनसर्टेन इवेंट्स हो जाते हैं उसकी वजह से होता है। अब अनसर्टेन है पता तो है नहीं, होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, देयरफॉर इंश्योरेंस इज अ शेल्टर, मतलब आपको एक कवर दिया जाता है, कवर आपके घर के ऊपर शेल्टर है, तब तो आप बारिश और तूफान से बच के रह सकते हैं, है ना। सो इंश्योरेंस भी एक तरीके का क्या है, शेल्टर है, मतलब आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है। बेसिकली इकोनॉमिक का मतलब होता है मॉनिटरी सिक्योरिटी, मॉनिटरी टर्म्स में आपको सिक्योर करके जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स यू द मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन फॉर द लॉसेस सफर्ड ड्यू टू द हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, ठीक है। बट जरूर उसके लिए क्या खरीदना चाहिए, पॉलिसी खरीदना चाहिए। सो इट इज अ शेल्टर अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस, ओके। ये आपको एक कवर दिया जाता है कि अगर आपका फाइनेंशियल नुकसान हो गया तो हम बैठे हैं आपके पीछे बैक सपोर्ट करने के लिए, मतलब आपका वो जो आपका सपोर्ट है ना वो टूटेगा नहीं। सो द कंपनी इज देयर टू सपोर्ट यू, टू गिव यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बोलो, मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन के फॉर्म में सिक्योरिटी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, अब देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, रिलेशनशिप है ना, देखो इंश्योरेंस कंपनी का और कंट्री का, अरे इंश्योरेंस कंपनी का और कंट्री का रिलेशनशिप कैसे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी। एग्जांपल ले लो, अब आपके पास है ना घर पे बहुत सारा अमाउंट पड़ा था, समझो 2 लाख रुपए पड़ी थी, अब आपने ये 2 लाख रुपए घर पे रखे हैं, तो जिसको नीड है, अब बहुत सारे लोगों को ना कैश की नीड होती है, फंड्स की नीड होती है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को एजुकेशन चाहिए, ठीक है, किसी को एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, किसी को घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, किसी को जॉब करने के लिए पढ़ाई करनी है, कुछ कोर्स करना है उसके लिए पैसा नहीं है, लोन चाहिए, तो अब कंपनी से लोन लेने जाते हैं, बैंक से लोन, इंश्योरेंस कंपनी से लोन लेने जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी भी लोन कहाँ से देगी, खुद की जेब में से तो नहीं देगी ना, आप लोगों से जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स होती हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं, उनसे पहले फेच करेगी, पूरा पैसा लेगी, ठीक है। पूरा पैसा किससे निकालेगी, जिनके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स है, घर पर पड़ी है, वो घर पे पड़ी है ना तो ब्लॉक्ड है पैसा, अनप्रोडक्टिव, उसमें से कुछ प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा, कुछ वाकई में ऐसा यूज नहीं हो रहा है जो प्रोडक्टिव है, जो काम का है। आपका पैसा तो घर के लॉकर में पैक है, अब वहां से निकालकर आपने इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी खरीदी, मतलब हर
हर महीने, हर दो महीने, हर छह महीने या साल भर में आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं। अब कंपनी के पास क्या आ रहा है? पैसा, फंड्स, कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है कंपनी ब्लॉक नहीं करती है, उसे अपने लॉकर में नहीं रखती है, लोगों को ये लोन के फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। अब उन लोगों तक पहुंचाएगी जहां पे एक्चुअली इसका इसका एक्चुअल नीड है। समझो अब मुझे बिजनेस ओपन करना है, तो बिजनेस ओपन करने के लिए मुझे लोन चाहिए, कितना? 5 लाख का। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के पास प्रीमियम के फॉर्म में कैश आ गई ना, जो ब्लॉक पड़ी थी आपके पास, अब वो अनब्लॉक होके आपके पास आ गई, कंपनी के पास आ गई, इंश्योरेंस कंपनी के पास। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसे कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर लाती है, कैपिटल फॉर्म करती है। देखो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज इन बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो लोगों के पास सेविंग्स हैं, ठीक है, देखो द सेविंग्स फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल सेविंग्स इन द कंट्री। मतलब अगर आपने सेविंग्स, अपनी सेविंग्स निकालकर इंश्योरेंस कंपनी को दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी वही अमाउंट को अलग अलग जगह पे जहाँ पे लोगों को नीड है उसको वहां पर इन्वेस्ट करती है। अब जिसके पास पैसा नहीं था उसने बिजनेस शुरू कर दिया पैसा लेकर इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है, तो बिजनेस शुरू कर दिया, तो अब बिजनेस में क्या कर रहे हैं, वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हो गया ना प्रोडक्टिव। आपका पैसा जो ब्लॉक पड़ा था आपके घर पे, जो अनप्रोडक्टिव था, उसमें से कुछ भी बन नहीं रहा है, उसमें से कुछ भी बिक नहीं रहा है, उसका कुछ भी प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा है, बट अब हुआ ना, किसी एक का बिजनेस चलेगा, प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, है ना, बाइंग एंड सेलिंग बढ़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई बढ़ेगा कंट्री में, तो हो गई ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस पर्सन ने जिसने बिजनेस ओपन किया उसकी पावर्टी कम हो जाएगी, वो अर्न करने लगेगा, ठीक है, भूख हड़ताल कम हो जाएगी, उसके पास उतना कैश हो जाएगा, उतना फंड्स हो जाएंगे कि वो अपने घर को पाल सके, ठीक है। तो वो ही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फिनेंशियल सेविंग्स के जरिए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकते हैं। मतलब आपने अगर शुरुआत कर ली कि मैंने एक पॉलिसी खरीदनी है, पॉलिसी क्यों खरीदनी है, फिनेंशियल सेविंग्स करने के लिए, तो आपने अगर इस मोटो से, देखो सबका बेनिफिट है ना, आपका भी बेनिफिट है, क्यों, आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स हो जाएंगी, मैच्योरिटी डेट पे आपको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, आपके लिए बेनिफिट, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बेनिफिट है क्योंकि उसको फंड्स मिल रहे हैं कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। अब इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करेगी तो वहां से इंटरेस्ट भी तो अर्न करेगी, ठीक है, कंपनी के लिए भी बेनिफिट है। अच्छा, जो लोन ले रहा है उसने बिजनेस ओपन कर लिया तो उसके लिए भी बेनिफिट है, वो प्रॉफिट्स अर्न करेगा, बिजनेस चलाएगा, ठीक है। और जिसको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए था वो एजुकेशन, अरे अभी नहीं लिखा है, अभी बस पढ़ा। म्यूट म्यूट विकास, ओके, तो एजुकेशन, जिसको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए उसको एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा, ठीक है। ये हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आती है, किसके जरिए, कैपिटल फॉर्मेशन के जरिए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वो ही है, कैपिटल फॉर्मेशन उसने बताया है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एनविसेजेस रियल सेविंग्स, चैनलाइजिंग सेविंग्स, मतलब आपकी सेविंग्स को मुझे प्रॉपर एरिया में चैनलाइज करना है, ऐसी जगह पर लगाना है सो दैट इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो, मोबिलाइज करना है सेविंग्स को, मोबिलाइज मतलब आपके यहाँ से एक्स्ट्रा सेविंग्स को निकाल कर ऐसी जगह पर लगाना जहां पे उन फंड्स का प्रोडक्टिव यूज होगा, ठीक है, समझ में आया। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कैपिटल ब्लॉक नहीं करना, फॉर्मेशन मतलब सर्कुलेशन में लाना कैपिटल को, जो ब्लॉक हो गई है ना उसे उसे सर्कुलेशन में लाना, ठीक है, जिससे जिससे लोग क्या खरीद सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, अब इक्विपमेंट्स, टूल, फैक्ट्री बिल्डिंग खरीद सकते हैं, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकता है, कोई एजुकेशन ले सकता है, कोई बिजनेस ओपन करके फैक्ट्री ओपन कर सकता है, तो कैपिटल स्टॉक खरीदा जा सकता है, इससे कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो सकता है कैपिटल फॉर्मेशन से। आया समझ में, मतलब आप चाहते हो कि जो मेरे पास कैपिटल है ना उस वो जो है ना उससे मेरा
production increase in the economy, thereby contributing to the future streams of the income of the economy. मतलब जैसे फ्यूचर में इनकम जेनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा इनकम जेनरेट हो हर किसी की, हर किसी की होगी तो नेशनल इनकम भी तो बढ़ेगी ना कंट्री की, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी खुद ही डेवलप करेगी, ठीक है. एजुकेशन बढ़ेगी तो एजुकेशन बढ़ने से इलिटरेसी कम हो जाएगी, पावर्टी कम हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है. तो इकोनॉमी तो डेवलप करेगी ना, समझ आया कि नहीं? यस, समझा मैं, क्लियर है ना. तो सिक्स पॉइंट्स थी फंक्शंस में. आई थिंक हम यहाँ तक अभी वाइंड अप कर सकते हैं. देखो ऑब्जेक्टिव्स में कितनी पॉइंट्स है, रिस्क शेयरिंग, कॉर्पोरेट डिवाइस है ये, किसी एक पर्सन का नहीं है ये काम, इट इज अ कॉर्पोरेट डिवाइस, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल एक साथ आकर कंपनी के नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब पॉलिसी खरीदते हैं और कंपनी फिर इसको मैनेज करती है, पूरे जितने भी आपके प्रीमियम्स आते हैं. सेविंग्स हैं, ये एक तरीके का सेविंग है जिसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सेविंग बोला जाता है, ठीक है. इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मॉनिटरी सिक्योरिटी आपको दी जाती है मॉनिटरी टर्म्स में. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कंट्री की बात चल रही है इसमें, ठीक है. कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब आपका जो कैपिटल ब्लॉक है, सेविंग्स है, वो आपके घर से निकाल कर, आपके यहाँ से निकाल कर किसी ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे प्रोडक्टिव यूज हो, ठीक है. क्लियर है सबको? डाउट कुछ है तो आप पूछिए, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप फॉर द डे. क्लियर है मैम? क्लियर है, वेरी गुड. चलो सो आप रिवाइज करिए, उसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो हम क्लियर कर लेंगे.